दुनिया में क्या देखकर आपको हंसी आती है? आपको देख के हंसी आती है? दुनिया की हर एक चीज देख के मुझको हंसी आती है। अपने क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस को देखकर बड़ी हंसी आती है कि वो हमेशा जीतते जीतते हार जाते हैं। मुझे अपने डैडी को देख के हंसी आती है। क्यों? क्योंकि मुझे देख के हंसते हैं। अपने को देख के हंसी आती है कि 6 फुट का लंबा बना दिया और क्या। दुनिया में क्या देखकर आपको हंसी आती है? दुनिया में देख के बताऊं या खुद को देख के बताऊं? सबको देख के ही आती है। हमको ये फीलिंग नहीं होता है कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। जब मैं सफ़र करता रहता हूँ तो ऐसे हमको खुद हंसी आ जाती है। फिर मैं सोचता हूँ कि लोग जब मुझे देख रहे हैं तो वो क्यों मतलब कि वो क्या समझ रहे होंगे हम क्यों हंस रहे हैं। फिर मैं अपना बस नॉवेल पढ़ने लगता हूँ। तराना की बाय बाय देख कर। मैं तो अपनी बीवी को देख कर बहुत हंसता हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। गोविंदा को देख के हंसी आती है। स्वागत का अंदाज क्या होना चाहिए? स्वागत का अंदाज बहुत खूबसूरत होना चाहिए। जिस तरह मिले हम आपसे आज, यही हमारा अंदाज। स्वागत का अंदाज जी, अब आप आए हैं, आप बताइए, आप चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे? स्वागत का अंदाज क्या होना चाहिए? कुछ खट्टा कुछ मीठा। स्वागत का अंदाज उसकी तो कीमत ही कोई नहीं है स्वागत के अंदाज की तो। हाथ जोड़ के खड़े रहिए। कहाँ? डोर पे। स्वागत का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि हम स्वागत करें और मेहमान दोबारा हमारे पास पलट के कभी ना आए। सही मायने में बगावत क्या है? नियम के विपरीत ही जाना बगावत है। अपने हक के लिए लड़ना। सही मायने में बगावत हम उसे कहते हैं अन्याय बर्दाश्त ना करना। हमने की नहीं तो पता नहीं इसके बारे में। सही मायने में बगावत क्या है? बगावत सही मायने में अपने हक के लिए लड़ना प्लस दूसरे के हक के लिए लड़ना, चाहे उसे किसी भी तरह से लिया जाए। बगावत होती है दो टाइप की, एक होती है प्रेम बगावत, एक होती है देश बगावत। पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना। सही मायने में बगावत को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बगावत कलम के तरीके से भी की जाए। जुनून का मतलब क्या है? जुनून का मतलब सही अर्थ में तो घमंड कह सकते हैं। जुनून का मतलब है किसी काम के प्रति इतना ज़्यादा गहरा संबंध हो जाना या इतना दिमाग में उस काम को बसा लेना कि उसको करके ही छोड़ना जुनून है। किसी काम को करने के लिए मतलब भूसवार होना जुनून कहलाता है। सब काम छोड़ कर एक ही काम पे लग जाना उसे जुनून कहते हैं। एक ऐसी भावना जो कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखती है। जुनून का मतलब क्या है? किसी चीज़ का हद से बढ़ जाना। आँखों में प्यार और दिल में तूफान। किसी चीज़ का हद हो जाना। वो जोश जो होश खो देता है। किसी काम करने की इच्छा एकदम जुनून के करना है कुछ हमने। किसकी सवारी है आपको प्यारी? घोड़े की। एरोप्लेन। कार की। घंटे वाली साइकिल की। टमटम टांगे वाली सवारी। शान की सवारी, जोश की सवारी। बाइक की, बाइक पे अगर आप मेरे साथ हो तो। किसकी सवारी है आपको प्यारी? बैलगाड़ी की। हाथी की। मोबाइल की सवारी। 11 नंबर की सवारी पैदल। प्यार की सवारी अपने पति के साथ। चुक 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 चुक।